आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू फ्राई। आलू फ्राई के लिए ये सब सामग्री चाहिए। पहले हमको चाहिए आलू। मैंने दो आलू को इसका छिलका निकाल कर धोकर इसको इस तरह लंबा साइज में काट कर रखा है। मैंने पानी में रखा है, नहीं तो आलू हमारा काला पड़ जाएगा। एक बड़ा साइज प्याज को लंबा साइज में काट कर लिया है। आधा चम्मच साबुत जीरा, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर आधा चम्मच, सरसों का तेल, नमक। हम आलू फ्राई करेंगे। मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दिया, गैस ऑन कर दिया। अब हम इसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम इसमें साबुत जीरा डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज भी थोड़ी देर फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। नमक आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं 1 चम्मच डाल दूँ। अब इसको मिक्स कर देंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब हम इसको ढक देंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे, बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। अब इसको ढक देंगे। अब हम आलू चेक करेंगे। ये देखिए आलू पक चुका है। अब हम इसमें जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। आलू फ्राई हमारा तैयार हो चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। ये आलू फ्राई तैयार हो चुका है। आप इसी तरह आलू फ्राई घर पर बनाइए। परोठा चावल के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।